नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे घातक यूकेव के बारे में। हम सभी जानते हैं घातक एक फ्यूचरिस्टिक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल होने जा रहा है, जो कि स्टेल्थ टेक्निक को भी इनकॉर्पोरेट करने जा रहा है। सो घातक यूकेव के लैंडिंग गियर को डेवलप करने के लिए जो एक प्रोटोटाइप है, उसका एक टन कैटेगरी का प्रोटोटाइप, वो डेवलप किया जा रहा है ADA के द्वारा। यहाँ पे ये जो एक टन का प्रोटोटाइप है, इसको स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड के नाम से बताया जा रहा है, यानी कि स्विफ्ट के नाम से बताया जा रहा है। तो ये जो स्विफ्ट UAV है, ये घातक का ही स्केल डाउन मॉडल है। यहाँ पे इस एक टन कैटेगरी के घातक को बनाने का मतलब ये है कि इस मॉडल में जो भी स्टेल्थ की तकनीक है उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। वहीं पे इसी मॉडल में ही जो भी लैंडिंग गियर है, उसका जो रिट्रैक्शन है, वो कैसे काम करता है, उसको प्रूव किया जाएगा। तो जो ओवरऑल वेट है स्विफ्ट का, वो 2 टन कैटेगरी के अराउंड है। तो यहाँ पे 2 टन कैटेगरी क्लास के लिए जो लैंडिंग गियर है, वो अभी डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद उसको घातक में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये चीज़ यहीं पे नहीं रुकेगी। इस लैंडिंग गियर को डेवलप करके जो आपको एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, वही एक्सपीरियंस ADE रखने जा रही है AMCA के लैंडिंग गियर डेवलपमेंट में। क्योंकि वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है, तकरीबन 25 टन कैटेगरी का वो एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पे ये जो लैंडिंग गियर है, ये डिराइव होकर आ रहा है आपके रुस्तम 2 से, यानी कि तापस BH से, जिसके लैंडिंग गियर डेवलपमेंट में DRDO की लैब से VRDE का जो रोल है, वो काफ़ी की रहा है। तो इस तरह के लैंडिंग गियर में टिपिकली जो भी आपके सब सिस्टम लगते हैं, अगर उनकी बात करते हो, तो कुछ इस तरह के आपको सब सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला आपका हो जाता है शॉक स्ट्रट। बेसिकली ये एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करते हैं। मतलब अगर आपका जो कॉन्टैक्ट है पहली बार ग्राउंड से होता है, तो उस टाइम जो भी शॉक जनरेट हो रहा है, तो ये उसको लेगा। जो व्हील्स हैं उनके लिए जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इन्वॉल्व है, मतलब ब्रेकिंग के लिए जो एक्चुएटर्स हैं वो आ जाते हैं। रिट्रैक्शन के लिए जो मैकेनिज्म है, फोल्डिंग मैकेनिज्म, वो आ जाएगा। और इन सबको मूव करने के लिए जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, पंपिंग है, वो चीज़ आ जाती है। और वहीं पे इन सबको ऑटो कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं, वो आ जाते हैं। तो ये कुछ जो सब सिस्टम हैं जिनसे जो आपके रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर हैं वो बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में बात करने का मतलब ये है, इस तरह के सिस्टम को लेके ये इंडिजिनस एफर्ट है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। सो अच्छे काम को रिकॉग्निशन मिलना जरूरी है। तो ये तो रही बात घातक को लेके, जहाँ पे घातक का जो स्केल डाउन मॉडल है वो बना लिया गया है, और उसके लिए जो लैंडिंग गियर है वो बनाया जा रहा है ADE के द्वारा। बात करते हो अगले अपडेट की, जो कि भारत के ही लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल यानी कि निर्भय को लेके है। हम सभी जानते हैं कि जो निर्भय की रेंज है वो 1000 किलोमीटर के अराउंड है। और अभी हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि निर्भय को डिप्लॉय कर दिया गया है LSE के अराउंड। और उसी को देखते हुए जो निर्भय का एक टेस्ट है, वो भी जल्दी कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ पर जो उसकी कैपेबिलिटी है वो प्रूव की जाएगी। तो यहाँ पर निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर जो टेस्ट है, वो इस मंथ के एंड तक कंडक्ट कर लिया जाएगा, जहाँ पे इस तकनीक को प्रूव करके कुछ जो यूनिट है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। उसके बाद निर्भय को फॉर्मली इंडियन आर्म फोर्सेज में इंडक्ट कर लिया जाएगा। अभी निर्भय मिसाइल जो इंजन इस्तेमाल कर रहा है, वो रशियन NPU द्वारा बनाया गया इंजन है। लेकिन आगे चल के ऐसी प्लानिंग है कि जो भारत का ही मानिक इंजन है, वो प्रॉब्ली यहाँ पर लगाया जाए। हालांकि ये पॉसिबिलिटी अभी देखी नहीं जा रही है कि अगले टेस्ट में मानिक इंजन लगेगा, लेकिन अपकमिंग जो भी टेस्ट होंगे वहाँ ज़्यादातर जो कॉन्टेंट है वो देसी होने जा रहा है। निर्भय के स्पेसिफिकेशन के बारे में हम सभी जानते हैं, जमीन से ये 2 से 5 मीटर ऊपर रह के भी सी स्किमिंग करते हुए ट्रैवल कर सकता है एक लंबी दूरी तक, जबकि जो यहाँ पे इसकी स्पीड है वो 0.5 से लेके 0.7 के बीच में है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि निर्भय का जो इस्तेमाल है वो रही कैसे जाएगा, क्योंकि जो उसकी स्पीड है वो कम है। तो उस केस में आप आर्गूमेंट को कुछ इस तरह से ले सकते हो, अगर आपका जो मिसाइल है वो ज़्यादातर जो रेंज है वो सी स्किमिंग करते हुए, यानी कि जमीन के लेवल पर रहते हुए ट्रैवल करता है, तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो भी रडार हैं दुश्मन के, जो कि आपको ढूंढ रहे होते हैं, तो आप उनके लाइन ऑफ साइट से बचते हुए वहाँ तक पहुँच जाओ। तो इस तरह की क्षमता रहने की वजह से जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है एक लॉन्गर रेंज पे प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करने के लिए। और वैसे भी इस तरह की जो भी मिसाइल होती हैं, उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है, रडार क्रॉस सेक्शन, वो कम होता है। सो इसको लेकर जो टेस्ट है वो जल्द ही कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।